दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में EWS, TG और CWSN कैटेगरी के एडमिशन जो है RTE एक्ट के अंदर हर साल होते हैं। सो इस एडमिशन प्रोसेस के लिए DOE ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ नया रूल लाया गया है DOE के तरफ से, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन DOE की वेबसाइट पर जारी किया गया है, जिसकी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जो इज वर्ल्ड, होप यू आर ऑल फाइन। सो EWS, TG और CWSN कैटेगरी के अंदर दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में हर साल एडमिशन प्रोसेस होता है, जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और 25% जो कोटा रिजर्व होता है प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन्स के लिए, इन कैटेगरीज के लिए। DOE ने एक बदलाव लाया है, एक रूल में चेंज लाया गया है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इस एडमिशन प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब बहुत जरूरी होता है कि आपके डॉक्यूमेंट सही हो। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर ही DOE ने ये चेंज किया है कि अब जो है आधार कार्ड, बच्चे का आधार कार्ड मैंडेटरी हो गया है। आधार कार्ड जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। एडमिशन फॉर्म भरते वक्त ऑनलाइन जब आप फॉर्म भरेंगे तो आधार कार्ड जरूरी डॉक्यूमेंट हो गया, आपको टिक करना ही होगा आधार कार्ड पर, तभी जो है बच्चों का एडमिशन हो सकता है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले सालों में DOE ने ये देखा कि मल्टीपल एंट्रीज की जाती है, मतलब एक ही बच्चे का कई बार अप्लाई किया जाता है, कई फॉर्म भर भर दिए जाते हैं पेरेंट्स के द्वारा, ताकि उनके चांसेस बढ़ जाएं ड्रॉ में नाम निकलने के लिए। कुछ कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके कई सारे एप्लीकेशन किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जिनको जरूरत है, जो जो एक ही जिसने फॉर्म भरा है, उनके चांसेस कम हो जाते हैं। ये कि बहुत गलत प्रैक्टिस है, कई बार कंप्यूटर उसे पकड़ भी लेता है और नाम आ जाते हैं उनके अलग अलग स्कूलों में एक ही बच्चे के, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई है। इसको देखते हुए आधार कार्ड को मैंडेटरी किया गया है। आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है जो कि एक ही होता है, तो मल्टीपल एंट्रीज के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे और एक ही बच्चे का बार बार नाम नहीं भरा जाएगा, जिससे कि जेन्युइन जो एप्लीकेंट्स हैं उनको चांसेस मिलेगा, उनका नाम आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। पहले देखिए, जब आप फॉर्म भरते थे तो आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं था, मतलब आपके पास है तो आप भर दीजिए, उसका नंबर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं था। दूसरे जो है एड्रेस प्रूफ का कोई और डॉक्यूमेंट आप भर सकते थे, बट अब जो 2023 के लिए जो फॉर्म्स निकलेंगे उसके लिए आधार कार्ड जरूरी डॉक्यूमेंट है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, आपको ये डॉक्यूमेंट बच्चे का बनाना ही होगा। तो अगर आप 2023 के लिए आपको फॉर्म भरना है अपने बच्चों का, तो आप आधार कार्ड बनवा लें, बिकॉज ये मैंडेटरी हो जाएगा, इसके बिना आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते। एक बहुत अच्छा अपडेट है, जिससे कि थोड़ा सा और जो है अच्छे वे में एडमिशन प्रोसेस जो है पूरा होगा, जो जेन्युइन एप्लीकेंट हैं उनके चांसेस बढ़ेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आपके बच्चों के आधार कार्ड बने हुए हैं या नहीं, और ये अपडेट जो है आपको कैसा लगा, आपकी क्या राय है इसके बारे में, ये जरूर कमेंट करें और दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।